जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद हो कि आप सब खैरियत से होंगे। सिस्टर छत पे जा रहे हैं, आप सबका वेलकम करते हैं न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। मैं क्या क्या कह रही हूँ न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग, एक ही बात हुई ना, पागल हो गया। तो भाई आज तो हाँ 4 दिन हो गए हम नानी के घर हैं, शूट का व्लॉग देख लिया होगा। तो गाइस पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को। अब आज हमारे नानी घर बन रहे हैं गोभी आलू वाले पराठे, ये अम्मी बना रही हैं और आज उनका पराठा रेडी हो चुका है। वो नहीं है गैस, उस सिलेंडर लगाया हुआ है यार, हमका पराठा रेडी है, ये लो। तो ये साला ने वो पीक वाला बनाया है पराठों के लिए। अब ये अम्मी देखो कैसे पराठा बनाती है, लगा ये पराठा। और मेरी नानी पुराने ज़माने की कहानियाँ सुना रही है हमें। आराम ठंडे हो जाएगी फिर खाना सही। क्या पराठा किसको बोलते हैं? सालन इसके अंदर है। एक पर सेवे एक पर सेने ये पराठा मैं बना रही हूँ, देख लें आप लोग जिनको नहीं आता है। ये बन रहे हैं आलू के, ये नानी का, नानी बड़ा मेरी ज़्यादा डालू, ये नानी का पराठा है। नानी कहती मेरे पराठे में बहुत सारी गोभी डालना, एक चलो देखते हैं नानी का कैसे बनता है। आवाज आ रही होगी ना मेरी नानी की? मेरा नानी तो ये देखो मेरे मामू का इतना ज्यादा खर्चा करवा रही, इतना तेल डाल दिया मामी ने। ऊपर रोटी बन गया नानी का, ज्यादा गोभी वाला पराठा चला जाते थे एक साइड से ले गए। आज सबके पराठे बनेंगे। ये एक और दूसरा रेडी हो गया, दो पराठे बन गए और तीसरा ये बन रहा है। अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे गोल गोल पेड़े। और हमें खाते हुए देंगे आप लोग। चलो तैयार हो गए, एक अरहम खा रहे। अरहम अरहम खा रहे हो पराठा? जान खुल के कैमरा क्यों? अच्छा तो अरहम अपना पराठा खा रहे। अरहम क्या हुआ है इसके अंदर ना, इसको खोल खोल के आलू भून रहा है। सालन इसी के अंदर है, मेरा पराठा ये मैंने इसके रखा है ठंडा हुए। और नानी का पराठा, नानी ये ऊपर से खोल क्यों लिया है? कौन अच्छा तो ठंडा हो गया ये बोलोगे। नानी खा के आप सबसे मिलते हैं क्योंकि बहुत गर्म है, पता नहीं कितना टाइम लगे ठंडा होने में। मोबाइल में चार्ज नहीं है तो मैं चार्ज कर रही हूँ। ओके तो गाइस आज तो ब्रदर्स डे, बट मैं तो अपने घर पे नहीं हूँ, घर से इधर बदर हुए हैं। तो मेरे मामू का एक बेटा है, तो मेरी एक कज़न है बड़ी, तो वो मतलब कि उसके लिए एक दिखाओ गिफ्ट लाओ, एक पार्टी पॉपर लाई, एक छोटा सा गिफ्ट छोटा मोटा, और ये मैंने केक रेडी किया। मैंने क्या किया, बिस्किट लिए हैं 4 और ऊपर ये रख दिए। बस इसको हम लोग करेंगे, ये करेगा और हमें इसको टेस्ट करवा लेंगे। ये इसमें एमन आरजू कामिल उमेहानी, ये तीनों बहनें, ये मिल रहा है कामिल को। पीछे क्या लिखा लिखा हुआ है, ओ आई लव यू हैप्पी ब्रदर डे, ये बनाया भाई प्यारा से ये। और एक ये पार्टी पेपर लाई है ये, चलो यार ये अच्छी पकड़ो ये टूट जाएगा भाई। ये छोटा सा है भाई, ये छोटा सा अपनी मानो अपने घर से ले आई थी, तो हम काफ़ी दिन से इधर ही हैं, गए नहीं हैं व्लॉग में, एक ही बना था, दूसरा अभी तक अपलोड तो हुआ ही नहीं। आप जब आप लोग देखोगे तब तक
लोड हो चुका होगा। ये ही मानो हम घर से इसको ले आए। अच्छा है, मानो घर से ले आए ना हम लोग। मानो घर पे अकेली थी तो हमने सोचा इसको भी अपने साथ ले आते, हम ले आए। सो गाइस इससे व्लॉग एंड करते हैं, मुझे जब सबको व्लॉग पसंद आएगा। गाइस ये ना मैं घेरी हूँ तो मेरा ये निशान बन गया, इतना सूज गया था इसलिए निशान बड़ा बुरा ही लग रहा है। और मुझे जो गाइस को रिश्तेदार निकल आते ना, मतलब के पिंपल से निकल आए। तो मैं तो आपको व्लॉग पसंद आएगा, छोटा सा व्लॉग है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ, जल्दी से 2K करवा दें। और जिसने इंस्टा में फॉलो नहीं किया कर लें, क्योंकि मेरी बर्थडे आने वाली है तो सबकी विशेस मुझे चाहिए और मैं सबको टैग करके अपनी स्टोरी लगाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरे पेपर्स भी आने वाले हैं, फिर बीच में थोड़ी व्लॉगिंग कम कर दूँगी। और मेरे ब्लॉग भी आजकल लेट आ रहे हैं, बस एडिट नहीं हो पा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।